हेलो क्लास। हेलो मैम। सब तैयार? यस मैम। कितना सीखा आज? करेंगे कितना सीखा का टेस्ट। टेस्ट हमने इतने दिन तक जो पढ़ा है उसको जरा करके भी देखते हैं। तो करेंगे ना बच्चे? यस मैम। करेंगे सब? यस मैम। सब तैयार? यस मैम। सब तैयार? यस मैम। चलो भाई, तो मैंने लिखा है बोर्ड पे कुछ अपने चार वाले बच्चों के लिए। चलो भाई इधर से देखते हैं। ये हमारे इधर भी बच्चे बैठे हुए हैं, कुछ देखो नीचे फैल के बैठे हुए हैं। चलो इधर से कौन आएगा और कौन करेगा? आप आओगे? आ जाओ आ जाओ, एक और आ जाए साथ में उठ करके, एक बच्चा और आ जाए। आ जाओ आ जाओ। पहला प्रश्न करके अभी आप इसको पहले ऐसे ही बताएं। हाँ पढ़िए, इसका जवाब बताइए। जग के प्रकाश के स्वामी किसको कहा गया है? प्रकृति और ईश्वर को। किसको कहा गया है? प्रकृति और ईश्वर। प्रकृति, प्रकृति और ईश्वर। ईश्वर। समझ में आया बच्चों? बहुत अच्छे। दूसरा प्रश्न पढ़िए बेटा। शेर गुफा के अंदर की अंदर है कि नहीं लोमड़ी ने कैसे पहचाना? उंगली रख करके पढ़ा जाता। चलिए इसका भी उत्तर बताइए। क्योंकि उसके पैरों के निशान थे। क्योंकि उसके पैरों के निशान थे। उसके पैरों के निशान थे। वेरी गुड। क्या नाम है बेटा? हिमांशु ने बताया। देखो पहचान लिया। चलो तीसरा प्रश्न पढ़ो। जंगल के सभी जानवर शेर से क्यों डरते थे? बताओ भाई। क्योंकि वो सभी जानवरों को खा जाता था। कैसे खा जाता था? मार कर खा जाता था। गुड। अभी और प्रश्न दूसरा पढ़िए अगला। गांधी जी का जन्मदिन कब हुआ था? हाँ जन्मदिन 2 अक्टूबर को। गुड। अभी और प्रश्न पढ़िए पांचवा। उंगली रखिए। मैना क्यों परेशान थी? बताओ भाई। क्योंकि उसको पानी प्यास लगी थी और कहीं पानी नहीं मिल रहा। कहीं पानी नहीं मिल रहा था इसीलिए वो परेशान थी। चलिए आगे देखिए क्या है। निम्न शब्दों के अर्थ लिखो। गुड। लिखिए भाई। कौन लिखेगा? एक तुम लिखो बारी बारी से। जोश यानी कि हौसला, उत्साह। गुड। हाँ चलिए दूसरा वाला आप लिखिए। दरार यानी कि फर्श की चटकी हुई जगह। लिखिए चटकी हुई जगह लिख दीजिए बस। बहुत अच्छे। वक्त लगता है लेकिन सब समझ में आता है। हाँ चटकी हुई दरार। आप लिखो, ये आपने गलत किया। देखिए चटकी ऐसे लिखते हैं, ठीक? हुई बोलिए जगह, जो जगह होती है वहाँ पानी भर जाता है ना, उसे कहते हैं दरार। अभी आप फर्श किसको कहते हैं बताइए? मैम सीमेंट से जो बना हुआ पत्थर का। चबूतरा तो लिखिए ना। लिखिए लिखिए। हाँ कोशिश करिए, अच्छी कोशिश है, बहुत बढ़िया। चबूतरा बस हो गया हो गया हो गया हो गया। लाइन खींचिए ऊपर। वेरी गुड। कोशिश कर रहे हैं ना बच्चे? बच्चे कोशिश करते हुए अच्छे लगते हैं। थल यानी कि स्थल। हाँ स्थल भी कर सकते हैं। वेरी गुड। लिखिए आधा सा और था ल स्थल। अभी बच्चे देखिए पहला एक महीना भी हुआ है, कोशिश कर रहे हैं। तेज, तेज का मतलब प्रकाश। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा कर रहे हैं हमारे बच्चे। अच्छा कर रहे हैं ना बच्चों? कोशिश कर रहे हैं ना? कोशिश कर रहे हैं ना? तो सब लोग भी ऐसे ही कोशिश करेंगे। चलिए अब आई बारी तुकांत शब्द लिखने की। चलो चलो चलो, कौन लिखेगा? तुकांत शब्द लिखिए। बैठिए बैठिए, बैठ करके लिखिए अच्छे से। लाल का तुकांत शब्द दूसरा कौन सा हुआ बोलिए तो? बाल। वेरी गुड। और दूसरा? काल। गुड। अभी दूसरा वाले का। हाँ बारी बारी से। चलिए चलिए बैठ जाइए। हाँ क्या लिखा बोलो तो? मेरा और शेरा। तुकान सब जो एक जैसी आवाज बाद में निकले है ना। हाँ फिर इसका क्या लिखेंगे? क्या लिखा शब्द तो बताओ? नमक। तेज से बोलो। नमक नहीं, शब्द क्या मैंने लिखा है? चमक। चमक का तुकान शब्द क्या हुआ? नमक। हाँ दो दो लिखने हैं। और दूसरा लिखिए क्या हुआ? दमक। वेरी गुड। अभी अभी आया बारी, एक बचा है, इसकी भी बारी आ जाए जल्दी से।
हाँ पहले शब्द पढ़िए। चालू 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 का तुकान शब्द क्या लिखेंगे? भालू। हाँ और आलू। आलू तो समझ आया बच्चों? ला अच्छे से बनाइए भाई, डिजाइन विजाइन नहीं बनाइए, शब्द को बहुत अच्छा से बनाइए लिखिए। ठीक, तो सारे बच्चों ने जाना और इन दो बच्चों ने अच्छे से किया। कैसे किया? सब बहुत अच्छे से किया। यहाँ पे हो जाओ और जरा सा पढ़ के बता दो, फिर से उंगली रख करके पढ़िए। प्रकाश के स्वामी। हाँ इधर देखिए। कहा गया है? हाँ बताइए। प्रकृति और ईश्वर को। चलिए तो इन बच्चों के लिए हो जाए बढ़िया सी क्लैपिंग।